हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में लोक संपर्क अधिकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की लोक संपर्क अधिकारी अंजू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परिणाम अस्थायी समय के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब स्कूल शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा ये बाद में बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में किसी ने अंक सूची तैयार करने के प्रारूप को लेकर याचिका दायर की है, उस कारण शिक्षा बोर्ड ने परिणाम को लेकर कोर्ट के आदेशों के अनुसार अस्थायी समय के लिए इसे स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि जिला हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा के एक छात्र के कोरोना संक्रमित होने के बाद हिंदी का पेपर नहीं दे पाया था। कम अंक मिलने के डर से उसने हाईकोर्ट में केस कर दिया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 7 मापदंड तय किए गए थे। इसी के तहत 9वीं कक्षा प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड व हिंदी के पेपर जो बोर्ड की ओर से लिया गया था उसका मूल्यांकन करने के बाद आंकलन कर विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया जाएगा। इसी आधार पर स्कूल शिक्षा बोर्ड मेरिट की सूची भी तैयार कर रहा था, लेकिन अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है और ऐन मौके पर शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में एक मिनट जी मैडम, आज हम मैट्रिक के परीक्षा परिणाम घोषित करना था, लेकिन हाल ही में हमें हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन आई है कि अभी रिजल्ट को रोक लो, तो इसलिए जैसे ही फर्दर उनकी हमें कोई भी डायरेक्शन आती है तो हम आपको दोबारा सूचित कर देंगे। हाईकोर्ट की स्टे आपने बताया रोक लगी है, इस मामले में लगी क्यों लगी? बच्चों के एग्जाम्स को लेके है, कि कोई बच्चा कोर्ट में गया ना, पिटीशन फाइल की है, अब वहाँ हेयरिंग चल रही है हाई कोर्ट में, जैसे ही वहाँ से कोई डायरेक्शन आती है हमें फर्दर, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैम, इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी कि इस तरह की हेयरिंग जो है वो चल रही है कोर्ट में, तो उसके लिए हम पहले से अलर्ट रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। हमें पहले पता था, हम अलर्ट थे, लेकिन डायरेक्शन जो है अभी अभी हाल ही में अभी प्राप्त हुई है, नहीं तो हम पहले अगर हमें ऐसी कोई डायरेक्शन होती हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेते। किसी बच्चे ने अगर हिंदी का जो पेपर हुआ है 10th का, अगर वो नहीं दिया है तो क्या उस स्थिति में क्या रहेगा उसके साथ, वो पास होगा या क्या क्या, क्या करेंगे उसको? उसको तो सारे पास मार्क्स दिए जाएंगे। मैम, नहीं लगता कि हमारे सिस्टम की फेलियर है बहुत जबरदस्त, इसलिए क्योंकि हमारे जो खुद के सरकार के नुमाइंदे हैं वो वहाँ पैर भी नहीं कर पा रहे हाईकोर्ट में, या हाईकोर्ट में क्या चल रहा है वो जानकारी नहीं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, सेटिस्फाई हो आप? अब मेरे साथ काहे को गुस्सा होना आप लोग।